Welcome to Get Academy Plus. So today in the module 5 of synchronous machine, we are going to start a discussion on the synchronous machine. Before this, we have covered transformer, DC machines, and then induction machine. From this lecture today onwards, we are going to continue our discussion on synchronous machine. So today we are going to discuss the introduction of the synchronous machine, and then we will start our discussion towards the basic concept and the basic terms which are related to the synchronous machine. First of all, I will discuss about the syllabus which we are going to cover in this module 5 of synchronous machine. So dekhiye jo syllabus rehne wala aapke paas steps rahega. ये किसका सिलेबस होगा भाई? सिंक्रोनस मशीन का सिलेबस होगा, ठीक है. तो जो जो टॉपिक्स मैं कवर करूंगा, सबसे पहले मैं उनके बारे में लिखता हूँ. पहला जो टॉपिक होगा डेट विल बी बेसिक्स बेसिक्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन, ठीक है. अब बेसिक्स में क्या क्या कवर करूंगा मैं, बेसिक में सिंक्रोनस स्पीड किसको बोलते हैं, फेज सीक्वेंस क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ इक्वेशन वगैरह, ये सब जो होगा बेसिक बेसिक उसके बारे में बात करेंगे. कि सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर किसको बोलते हैं, सैलियन पोल अल्टरनेटर किसको बोलते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है. जो फील्ड वाइंडिंग है उसको अगर आर्मेचर पर रखा तो क्या होगा, अगर उसको अपन रोटर पर रख दिया तो उसको क्या होगा, मतलब स्टेटर पर रखा तो क्या होगा या रोटर पर रख दिया तो क्या होगा. उसके बाद दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है, स्टेशनरी जो फील्ड वाइंडिंग है या फील्ड जो है, जो फील्ड फ्लक्स या फील्ड का जो भी एमएमएफ अगर मैं स्टेशनरी वाइंडिंग पे प्लेस कर दूँ या रोटेटिंग वाइंडिंग पे, इसके बीच के डिफरेंस देखेंगे. स्पीड के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे. उसके बाद जनरेटर की जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग अपन उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे. जनरेटिंग स्टेशन में कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे. सारे बेसिक बेसिक जो बातें होगी वो अपन डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन. इसमें बात समझ में आ गई. उसके बाद इसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं कि वाइंडिंग फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कि पिच फैक्टर किसको बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसको बोलते हैं. उसमें बेसिक बेसिक टर्म्स आएंगे कि टर्न्स किसको बोलते हैं, कॉइल किसको बोलते हैं, कंडक्टर किसको बोलते हैं, कॉइल सॉड किसको बोलते हैं, डबल लेयर वाइंडिंग का मतलब क्या होता है, सिंगल लेयर वाइंडिंग का मतलब क्या होता है, के पी के डी वगैरह वाइंडिंग फैक्टर्स उनके बारे में डिस्कस करेंगे. उसके बाद शॉर्ट पिचिंग वही मतलब उसका ही पार्ट होने वाला है शॉर्ट पिचिंग. उसके बाद फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे. फेस पीरियड किसको बोलते हैं उसके बारे में बात करेंगे. ऐसे बहुत डिफरेंट डिफरेंस टाइप्स ऑफ वाइंडिंग के बारे में अपन बात मतलब डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे इन द बेसिक्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन. उसके बाद मैं बात करूँगा आर्मेचर वाइंडिंग्स. आर्मेचर वाइंडिंग में थोड़ा वही डबल लेयर सिंगल लेयर वाइंडिंग के बारे में बात करूँगा. चाहे तो मैं उसको लिख देता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए सेपरेट टॉपिक होने वाला है, आर्मेचर वाइंडिंग. आर्मेचर वाइंडिंग्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन, ठीक है. इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है. उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँगा. उसके बाद मैं बात करूँगा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अल्टरनेट. उसके पहले अपन बात कर लेंगे आर्मेचर रिएक्शन के बारे में. मेरे हिसाब से मैं आर्मेचर रिएक्शन पहले लेने वाला हूँ, बिल्कुल आर्मेचर रिएक्शन. उसके बाद सिंक्रोनस जनरेटर का इक्विवेलेंट सर्किट, देन सिंक्रोनस मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट, देन सैलिएंट पोल मशीन्स वगैरह, ऑल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. उसके पहले अपन ये कर लेंगे क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग अगर अपन के पास आ जाएगी तो थोड़ा अपन को पता चल जाएगा कि उसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल कैसे है. जैसे भी अपन को वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में आइडिया पता चल गया तो अपन देखेंगे कि जो फ्लक्स आने वाला है, जो एक्चुअल जो ईएमएफ आने वाला होता है, उसका ईएमएफ का जो वैल्यू होता है रिडक्शन कैसे होता है ड्यू टू द इंट्रैक्शन ऑफ द बोथ द फ्लक्सेस, एसी एंड डीसी फ्लक्सेस. तो उसकी वजह से देखेंगे अपन कि फ्लक्स किस टाइप से टिल्ट होता है और किस टाइप से उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन आते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, डी मैग्नेटाइजिंग एंड मैग्नेटाइजिंग करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट पावर फैक्टर्स. उसके बारे में अपन बात करने वाले, तो मैं बोलूंगा उसको आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है. ये थोड़ा सबसे बड़ा यूनिट होगा सिंक्रोनस मशीन क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉपिक्स है आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है. उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ भाई इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर. क्या इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, देन सिमिलरली अपन बात करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ मोटर के बारे में. इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ मोटर के बारे में बात करेंगे. अब देखिए जब मैं इसमें बात करूंगा तो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर में सिर्फ मैं सिंक्रोनस जनरेटर मतलब उसका इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ा दूंगा और उसमें बोलूंगा कि ठीक है इससे रिलेवेंट ये बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं. इसमें जो भी बातें डिस्कस की जाएगी, देखिए इसमें इक्विवेलेंट सर्किट में क्या क्या आ जाएगा, उसमें आ जाएगा डिफरेंट टेस्ट ऑन अल्टरनेटर, टेस्ट ऑन अल्टरनेटर, अल्टर
नेट। अब इसमें डिफरेंट टेस्ट, मतलब मैं कह सकता हूँ कि डिफरेंट मेथड्स एक्चुअली विच कैन बी यूटिलाइज टू फाइंड द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द अल्टरनेटर। ठीक है, उसमें जो डिफरेंट पैरामीटर्स उसके बारे में अपन बात करेंगे। उसके बाद डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट के बारे में बात करेंगे विच कैन बी परफॉर्म ऑन द स्टेटर ऑफ द अल्टरनेटर। उसके बाद अपन बात करेंगे उसमें ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, उसके करस्पॉन्डिंग बात करेंगे। ये जो टेस्ट मैंने तो बोले ना, ये टेस्ट मतलब ये वाले जो मैं टेस्ट बोल रहा हूँ और जो मैंने इसके पहले बोला, जो कि मेथड्स होंगे कि बाई परफॉर्मिंग दोज डिफरेंट टेस्ट ऑन अल्टरनेटर वी कैन कम अप टू द सिचुएशन दैट वी विल बी एबल टू फाइंड वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, उसमें डिफरेंट मेथड होंगे, MMF मेथड होगा, रिएक्टेंस मेथड होगा, उसके बाद ZPFC मेथड होगा, तो EMF मेथड होगा, ASA होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन मेथड होगा। ऑल दिस मेथड्स विल बी कंडक्टेड टू फाइंड द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर। और उसमें देखेंगे अपन कि कौन कौन सा मेथड किसके रिजल्ट एकदम सही आते हैं, किसके थोड़े मतलब डिवेट करते हैं, कि अपार्ट फ्रॉम जो उसका एक्चुअल वैल्यू उससे कुछ डिवेट करेंगे, उससे थोड़ा कुछ अप्रॉक्स मतलब उसके थोड़े क्लोज आएंगे। ऐसे ऐसे सारे डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में अपन बात करेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद अगर अपन के पास इक्विवेलेंट सर्किट है तो ऑब्वियसली भाषा अपन को पावर फ्लो के बारे में भी बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। सो दिस आर द डिफरेंट टेस्ट विच विल बी परफॉर्म्ड ऑन एन अल्टरनेटर। उसके बाद मैं बात करूंगा पावर फ्लो के बारे में एंड वोल्टेज रेगुलेशन, पावर फ्लो। ठीक है, हाँ, उसमें और वोल्टेज रेगुलेशन भी आने वाला होगा। ठीक है, सो ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन व्हाट डिस्कस इन केस ऑफ, हाँ, ये इक्विवेलेंट सर्किट में अपने इतने सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैंने मोटर इसके लिए बोला, सेम मैं देखिए मोटर के लिए, मोटर में क्या क्या आ जाएगा आपके पास, मोटर में वोल्टेज रेगुलेशन के अपन बात नहीं करते। ठीक है, हाँ, पावर फ्लो जो होगा उसमें मोटर में उसके डिस्कशन में करूंगा पावर फ्लो के बारे में। ठीक है, तो मोटर के इक्विवेलेंट सर्किट से अपन उसके पावर फ्लो के बारे में बात करेंगे। मोटर का जो मतलब करस्पॉन्डिंग टू मोटर उसके आर्मेचर रिएक्शन के बारे में भी अपन बात करने वाले, उसका आर्मेचर रिएक्शन कैसे आएगा। उसके बाद सिंक्रोनस जनरेटर और मोटर दोनों में मैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन भी फाइंड करूंगा कि कौन से कंडीशन की करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम पावर आउटपुट पॉसिबल है, कौन से कंडीशन के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम रिएक्टिव पावर आएगा, लोड एंगल क्या होना चाहिए, पावर फैक्टर एंगल क्या होना चाहिए, ये सब चीजें अपन उसमें डिस्कस करने वाले व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जनरेटर एंड मोटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा भाई, ये पूरा का पूरा ये सेगमेंट कंप्लीट होने के बाद अपन बात करेंगे सैलियन पोल सिंक्रोनस मशीन के बारे में। किसके बारे में? सैलियन पोल सिंक्रोनस मशीन के बारे में। इस सिंक्रोनस मशीन ही चल रहा है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, बस इसमें जो रोटर का कंस्ट्रक्शन होता है उसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग होता है एज कंपेयर टू द सैलियन पोल सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, मतलब सैलियन पोल सिंक्रोनस मशीन में रोटर का कंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग होने वाला है। ठीक है, तो मैं बात करूंगा किसके बारे में, देन आई विल स्टार्ट डिस्कशन ऑन सैलियंट पोल सिंक्रोनस मशीन। अब इसमें भी दोनों आएंगे बेटा, क्या क्या आने वाले हैं, जनरेटर भी मैं डिस्कस करूंगा और मोटर भी डिस्कस करूंगा। अपन देखेंगे कि टू पोल रिएक्शन थ्योरी क्या होते हैं, ब्लॉन्डल्स टू पोल टू ब्लॉन्डल्स टू टू रिएक्शन थ्योरी अपन देखेंगे, उसमें कौन कौन से डिफरेंट क्वाड्रेचर एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस एंड डायरेक्ट एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस ड्यू टू द नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर, व्हाट विल बी दी डिफरेंट पैरामीटर्स विच वी विल ऑब्टेन, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन सैलियन पोल सिंक्रोनस मशीन। सैलियंस की वजह से अपन देखेंगे कि जो आपके पास सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर होता है और सिलेंड्रिकल और सैलिएंट पोल रोटर अल्टरनेटर होता है, दोनों में अपन देखेंगे कि सैलिएंट पोल अल्टरनेटर का जो एक्चुअली स्टेबिलिटी होती है, जो उसकी जो ताकत होती है, जो उसका स्टिफनेस कोएफिशिएंट होता है, जो उसका सिंक्रोनाइजिंग कोएफिशिएंट होता है, जो उसका स्टेबिलिटी फैक्टर होता है, जो उसका रिजिडिटी फैक्टर होता है, जो उसका कपलिंग कोएफिशिएंट होता है, ये सब चीजें एक ही है, लेकिन इन सब चीजों की वजह से अपन को एक देखने के लिए मिलेगा सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन जो होती है उसकी ताकत एज कंपेयर टू सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन से थोड़ी ज्यादा होती है। इसके नंबर ऑफ पोल्स थोड़े ज्यादा होने वाले हैं सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन के एज कंपेयर टू सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर सिलेंड्रिकल रोटर मशीन। इसकी नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा होने की वजह से इसका स्पीड थोड़ा कम होगा, लेकिन जो बहुत हेवी जो काम होंगे, मतलब मैं कह सकता हूँ कि बहुत हेवी पावर की रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम पे, या बहुत हेवी लोड होगा उस टाइम पे अपन थोड़ा उसको लेके चलते हैं सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन के बारे में बात करेंगे, इसका स्पीड कम होने वाला होता है। ठीक है, इसके लिए अपन ऐसे जनरेटिंग स्टेशन देखेंगे और ऐसे एप्लीकेशंस देखेंगे कि जहाँ पे स्पीड कम होगा लेकिन ज्यादा स्टेबिलिटी की जरूरत है, वहां पे अपन सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन के बारे में डिस्कस करते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने सिंक्रोनस जनरेटर के लिए बोला, सेम मोटर के लिए भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद अपन देखेंगे कि सिंक्रोनस जनरेटर सिंक्रोनस मोटर, व्हेन जनरेटर इज कनेक्टेड टू व्हाट इनफाइनाइट बस, तो उस टाइम पे अपन देखेंगे कि इफ वी आर वेरिंग अ पर्टिकुलर पैरामीटर, लाइक सपोज आई एम वेरिंग द प्राइम मोर इनपुट टू द अल्टरनेटर, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द एक्टिव पावर एक्साइटेशन लोड एंगल डेल इंटरनल पावर फैक्टर एंगल, ऑल दिस थिंग्स आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दैट पर्टिकुलर वन। आई विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट
इफ वी चेंज द एक्साइटेशन कीपिंग ऑल अदर पैरामीटर कॉन्स्टेंट देन वाट विल बी द चेंज इन द एक्टिव पावर विल बी कॉन्स्टेंट इन दैट पर्टिकुलर केस वाट विल बी द चेंज इन द रिएक्टिव पावर वाट विल बी द चेंज इन द पावर फैक्टर एंगल वाट विल बी द चेंज इन द आर्मेचर करंट ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हेन आवर अल्टरनेटर विल बी कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस. अपन देखेंगे कि जो अल्टरनेटर जो होता है वो इनफाइनाइट बस पे कनेक्टेड होता है उस टाइम पे उसका परफॉर्मेंस किस टाइप से होता है और उसी अल्टरनेटर को जब अपन एज ए आइसोलेटेड अल्टरनेटर जब ऑपरेट करेंगे तब उसका ऑपरेशन किस टाइप से होगा. यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसी के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे इसी के ऊपर बहुत सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और आइडिया अपन को मिलने वाली है उसके रिगार्डिंग. ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे साइलेंट पोल सिंक्रोनस मशीन में उसके जो डिफरेंट ये होने वाले उसमें कंडीशन अपन डिफाइन करेंगे कि सिंक्रोनस जनरेटर और मोटर दोनों की इसमें अपने कंडीशन ऐसा फाइंड करने वाले कि जिसमें अपन लोड एंगल डेल का वैल्यू इस टाइप से फाइंड करेंगे कि जिस एंगल के करस्पॉन्डिंग अपन को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पॉसिबल होगा. तो कॉस डेल का वैल्यू फाइंड करेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल विच इज इक्वल्स टू माइनस ए वी माइनस ई अपॉन एक्स क्यू अपॉन फोर वी इंटू एक्स डी माइनस एक्स क्यू प्लस वन बाय प्लस अंडर रूट ऑफ वन बाय टू प्लस ई एक्स क्यू डिवाइडेड बाई फोर इंटू v इंटू एक्स डी माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर. ये सब बातें मैं वहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ. ठीक है, और ये इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इवन इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं. साइलेंसी का फर्क मतलब रोल क्या आने वाला है जब हम सिंक्रोनस मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें नई नई आने वाली देखने के लिए मिलने वाली है. हाँ, इंटरपोलर एक्सेस उसके वजह से आएगा बीच में देखना आप लोग. वैसे नॉर्मल मशीन्स में भी होता है लेकिन इसमें थोड़ा उसका अलग रोल बढ़ जाएगा. ठीक है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात होगी कि नॉर्मल केसेस में जो अपन पावर यूज पावर जो एक्चुअली अपन यूटिलाइज करते हैं वो पावर आती है अपन के पास फंडामेंटल कंपोनेंट की वजह से. लेकिन यहाँ पे जो आपके पास जो पावर देखने के लिए मिलेगी डेट विल बी द पावर ड्यू टू फंडामेंटल कंपोनेंट इन एडिशन विद देर विल बी अनदर कंपोनेंट ऑफ द पावर डेट विल बी द सेकंड हार्मोनिक्स. सो द टोटल पावर विल बी पावर ड्यू टू फंडामेंटल कंपोनेंट प्लस पावर ड्यू टू सेकेंड हार्मोनिक. तो इसमें ये वाली बात की वजह से ओवरऑल पावर बढ़ जाएगी. इसका मतलब क्या, इसकी ताकत बढ़ जाएगी. तो ऑब्वियस है कि जब अपन स्टेबिलिटी की बात करेंगे उस स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी तो ऑलरेडी उसकी ज़्यादा है ही. तो ये सारी बातें अपन को इसमें भी देखने के लिए मिलने वाली है. ठीक है, साइलेंट पोल सिंक्रोनस मशीन में. उसके बाद अपन ये दोनों मशीन पढ़ने के बाद अपन बात करेंगे पावर फ्लो ऑफ सिंक्रोनस मशीन के बारे में कि पावर फ्लो किस टाइप से होने वाला है. ठीक है, तो पावर फ्लो के बारे में भी इसमें मैं डिस्कस करूँगा. पावर फ्लो ऑफ सिंक्रोनस मशीन, बस मैं इतना ही लिख रहा हूँ. इसमें मैं दोनों का डिस्कस कर दूंगा, जनरेटर भी एंड मोटर भी, दोनों का पावर फ्लो में डिस्कस कर दूंगा. अपन बात करेंगे उसमें कि लॉसेस का किस टाइप से मतलब हाउ लॉसेस आर गोइंग टू अकाउंट वाइल कैलकुलेटिंग द एफिशिएंसी ऑफ द सिंक्रोनस मशीन. ऑल दिस थिंग्स विल बी डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर पावर फ्लो ऑफ सिंक्रोनस मशीन. ठीक है, और उसमें अपन पावर फ्लो डायग्राम के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि पावर फ्लो डायग्राम किस टाइप से आने वाला होता है और किस टाइप से होता है. ठीक है, तो पावर फ्लो ऑफ सिंक्रोनस मशीन की इस लेक्चर में अपन ये वाली बातें डिस्कस करने वाले. उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई एग्जाम होगी इंडिया में कि जिसमें कभी न्यूमेरिकल पूछे नहीं होंगे उसके ऊपर, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि उसी के ऊपर अपन कह सकते हैं कि जो अपन का पूरा जो पावर सिस्टम होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रिड्स है, जैसे कि इंडिया की बात करें तो उसमें अभी 5 ग्रिड्स है, साउदर्न ग्रिड, नॉर्दर्न ग्रिड, वेस्टर्न ग्रिड, ईस्टर्न ग्रिड एंड नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड. तो सारे ग्रिड कैसे कनेक्टेड है. अपन अगर जनरेटिंग स्टेशन की बात करें तो उसमें जो अल्टरनेटर होंगे ऑल अल्टरनेटर्स विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल. तो उसमें अपन देखेंगे पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर्स. क्या देखेंगे, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर्स, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर्स. ठीक है, तो पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर में अपन देखने वाले कि उसका जो अल्टरनेटर्स है सारे के सारे अल्टरनेटर पैरेलल में कनेक्टेड करने के बाद, मतलब अपन ज़्यादा तो देखते हैं क्योंकि जितने भी अल्टरनेटर्स कनेक्टेड हो लेकिन अपन उसका एनालिसिस दो ही अल्टरनेटर के ऊपर लेके आते हैं. वैसे तीन भी कर सकते हैं, चार भी कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मोस्टली वो 2 या 3 मैक्सिमम 4 तक जा सकता है और उतने अल्टरनेटर के करस्पॉन्डिंग अपन को पूछेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट चेंजेस विच आर अकरिंग इन टू द पावर सिस्टम ड्यू टू द चेंज इन सो एंड सो. पूछेगा कि एक अल्टरनेटर ने इतना पावर लिया तो दूसरा कितना प्रोवाइड करेगा, अगर टोटल लोड इतना दिया है उसका पावर फैक्टर इतना दिया है तो पूछेगा कि एक अल्टरनेटर का एक्साइटेशन कितना है दूसरे का कितना है, उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट बातें वो करेगा और अपन को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में पूछेगा. तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस इसके ऊपर फ्रेम होते हैं, इसका थ्योरी भी बहुत अच्छे से पता होना जरूरत है. जैसे कि इसमें अपन बात करेंगे कि टू लैम्प डार्क लैम्प मेथड के बारे में बात करेंगे. टू लैम्प के डिफरेंट लैम्प्स जो होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग मतलब सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है तो उसको अगर अपन को चेक करना है तो उसके लिए जो डिफरेंट लैम्प मेथड जो होते हैं उसके बारे में बात करेंगे. उसके बाद अपन बात करेंगे उसमें पैरेलल ऑपरेशन अल्टरनेटर्स में सिंक्रोस्कोप करके एक डिवाइस होने वाला है, उस डिवाइस के बारे में बात करेंगे. उसके भी बारे में देखेंगे कि वो डिवाइस क्या मतलब किस तरीके से उसको यूटिलाइज किया जाता है. अपन वहाँ से पता चलेगा कि अल्टरनेटर्स पैरेलल में कनेक्टेड होने के बाद किस टाइप से पावर शेयरिंग करने वाले.
ये सब बातें अपन इसमें डिस्कस करेंगे पैरेलल ऑपरेशन और अल्टरनेटर्स में। और ये वाला टॉपिक है खत्म होने के बाद अपन का जो सिलेबस होगा सिंक्रोनस मशीन का, एंटायर सिलेबस विल बिकम कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये था आपके पास सिलेबस का इंट्रोडक्शन। अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा, मतलब जो बेसिक बेसिक होगा कि अल्टरनेटर किसको बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, जनरेटर किसको बोलते हैं, मोटर किसको बोलते हैं, जो इसके पहले भी अपन डिस्कस किया था सिंक्रोनस डीसी मशीन में, सेम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूंगा, लेकिन वो करस्पॉन्डिंग टू डीसी मशीन था, दिस विल बी पर्टिकुलरली करस्पॉन्डिंग टू सिंक्रोनस मशीन होगा। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिएगा बेसिक्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन। देखिए भाई, बात करते हैं सिंक्रोनस मशीन के बारे में, क्या वो सिंक्रोनस मशीन का मतलब क्या है। तो हेडिंग है सिंक्रोनस मशीन। तो देखिए, इट्स ए मशीन, सिंक्रोनस मशीन इज अ मशीन, मीन्स इट्स ए मशीन, इट्स ए मशीन विच वर्क्स एट कॉन्स्टेंट स्पीड, विच वर्क्स एट कॉन्स्टेंट स्पीड, कॉन्स्टेंट स्पीड, हैंस कॉल्ड एज सिंक्रोनस मशीन, हैंस कॉल्ड एज सिंक्रोनस मशीन। अब देखिए, जब भी अपन बात करते थे इंडक्शन मशीन की, इसके पहले जो यूनिट अपन ने पढ़ा इंडक्शन मशीन, उसमें जब अपन बात करते तो उसमें अपन ने क्या पढ़ा था, जो स्टेटर और रोटर, मतलब वहां से जो अपन सिंक्रोनस स्पीड की बात करते थे, उसके बाद अपन रोटर स्पीड की बात करते, तो दोनों के स्पीड में थोड़ा डिफरेंस होता था। उस डिफरेंस की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता था, जिसको अपन बोलते थे रिलेटिव स्पीड, जिस रिलेटिव स्पीड के करस्पॉन्डिंग अपन के पास जो ईएमएफ इंड्यूस होता था रोटर में, तो उसके बारे में अपन बात करते थे उसमें। यहाँ पे क्या है ना कि रोटर का स्पीड और सिंक्रोनस मशीन, मतलब जो एक्चुअल जो आपके पास सिंक्रोनस स्पीड है, रोटर स्पीड एनआर एंड सिंक्रोनस स्पीड एनएस, दोनों का स्पीड सेम होने वाला है, दोनों का स्पीड क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, और इसके लिए उसको बोलते हैं सिंक्रोनस मशीन। इसको लोग क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस मशीन। बट जो सिंक्रोनस मशीन है, इसमें दोनों आ जाएंगे, सिंक्रोनस जनरेटर भी आ जाएगा और मोटर भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो उसको लिख भी लीजिएगा सिंक्रोनस मशीन, और उसमें लिखेगा जनरेटर एंड मोटर, क्या लिखेगा, जनरेटर एंड मोटर। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट द सिंक्रोनस मशीन, दिस इज नथिंग बट व्हाट, सिंक्रोनस मशीन। तो ये पता चल गया कि सिंक्रोनस मशीन का मतलब क्या है। अब मैं बात करता हूँ जनरेटर किसको बोलते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर, और मोटर किसको बोलते हैं। तो हेडिंग डालिएगा सिंक्रोनस जनरेटर, क्या सिंक्रोनस जनरेटर का मतलब क्या होगा। सो सिंक्रोनस जनरेटर इट्स ए डबली एक्साइटेड मशीन, इट इज डबली एक्साइटेड मतलब क्या, उसमें दोनों एक्साइटेशन होगा एसी और डीसी। इट इज अ डबली एक्साइटेड मशीन रनिंग एट सिंक्रोनस स्पीड विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल पावर इन टू वॉट, इलेक्ट्रिकल पावर। सिंपल बात बोलूँ तो मैं, देखिए क्या अपना जनरेटर का मतलब क्या होता है, जनरेटर का इनपुट क्या होता है, प्राइम मोवर, तो प्राइम मोवर को इनपुट जो होता है मैकेनिकल होता है। ठीक है, तो मैकेनिकल इनपुट है और आउटपुट में अपन को क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलने वाला है। सिमिलरली इन केस ऑफ मोटर, जब अपन उसको डिफाइन करते हैं, मोटर इज अ डिवाइस या इट इज अ मशीन विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल पावर इन टू वॉट मैकेनिकल पावर, और अपन के पास मोटर का जो शाफ्ट होता है उसको अपन कोई भी मैकेनिकल लोड कनेक्ट किया होता है, प्राइम मोवर होगा या कुछ ऐसा रोटेटिंग डिवाइस होगा, पंप हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली उसका मतलब क्या है, सिंपल जैसा मशीन का डेफिनेशन होता है, मतलब जो जनरेटर का डेफिनेशन, वही डेफिनेशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। बस डिफरेंस इतना है कि वो जो जनरेटर होते थे इसके पहले, उनका जो ऑपरेटिंग स्पीड होता था थोड़ा अलग होता था, रादर देन दिस जनरेटर। इंडक्शन जनरेटर जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो इंडक्शन जनरेटर में क्या होता था, उसका जो स्पीड चलाता था, स्पीड कैसा होता, उसका स्लिप निगेटिव होती है, एनआर का स्पीड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वॉट एनएस। तो ऑब्वियस उसके केस में जो पावर फ्लो का जो नेचर अपन को देखने के लिए मिल रहा था, कहाँ से कहाँ होता था, रोटर साइड से स्टेटर साइड की ओर चला जाता था, तो अपन को इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता था, इनपुट क्या होता था, मैकेनिकल। ठीक है, इस टाइप से होता है। तो सेम चीज अपने यहाँ पे भी देखने के लिए मिलने वाली है, बस इतना है कि मतलब उनमें स्पीड अलग होता था, यहाँ पे स्पीड दोनों का स्टेटर हो जाए रोटर हो जाए, दोनों का स्पीड क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। स्टेटर में जो बात करो, एक्चुअली सिंक्रोनस स्पीड मतलब सिंक्रोनस जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो स्पीड है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, बट अब बात समझ में आ गई आपको कि सिंक्रोनस जनरेटर का मतलब क्या है। मैं उसका डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, इट्स ए डबली एक्साइटेड सिंक्रोनस मशीन, इट्स ए डबली एक्साइटेड, डबली एक्साइटेड, और इसमें दोनों एक्साइटेशन आ जाएंगे, कौन से, एसी एंड डीसी एक्साइटेशन। इट्स ए डबली एक्साइटेड सिंक्रोनस मशीन रनिंग एट सिंक्रोनस स्पीड, रनिंग एट सिंक्रोनस स्पीड विच कन्वर्ट, विच कन्वर्ट
विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल पावर टू वॉट इलेक्ट्रिकल पावर, विच कन्वर्ट मैकेनिकल पावर टू इलेक्ट्रिकल पावर, टू इलेक्ट्रिकल पावर इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, आप लिख लीजिएगा आगे कि इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, तो इसको अगर सपोज मैं डायग्रामेटिकली अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करने की बात करूँ तो देखिए क्या होने वाला है मेरे पास यहाँ पे। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक मीडियम होगा कि जिस मीडियम के थ्रू अपन उसको ट्रांसफर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका जो इनपुट होने वाला है बेटा आपके पास, इनपुट क्या होगा? मैकेनिकल होगा, जनरेटर की बात चल रही है तो। ठीक है, तो इनपुट क्या होगा? मैकेनिकल। सो यहाँ पे देख सकते हो कि आप यहाँ पे इनपुट कनेक्ट होगा, यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा आपके पास वो होगा आपके पास इलेक्ट्रिकल आउटपुट होगा। क्या आउटपुट होगा? इलेक्ट्रिकल आउटपुट होने वाला है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो भी कुछ आउटपुट होने वाला आपके पास, सॉरी इनपुट होने वाला है, इनपुट क्या होगा? मैकेनिकल, मतलब क्या? प्राइम मोर होगा इनपुट। ठीक है, सो प्राइम मोर जो होगा आपके पास दैट विल बी द इनपुट टू दिस रोटर, क्योंकि रोटर को तो अपन को घुमाना है। प्राइम मोवर, सॉरी एक मीडियम है, मीडियम के थ्रू जाने वाला है, और ऑब्वियस है कि अपन इनपुट तो रोटर को देते हैं क्योंकि रोटर को ही अपन क्या करते हैं? प्राइम मोवर से घुमाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो प्राइम मोवर का पावर होगा दैट विल बी व्हाट? मैकेनिकल पावर। प्राइम मोवर का जो पावर होगा दैट विल बी व्हाट? मैकेनिकल पावर होने वाला है। मैकेनिकल पावर विच इज गोइंग टू बी इनपुट टू व्हाट? विच इज गोइंग टू बी इनपुट टू द रोटर। ठीक है, और ये मैकेनिकल पावर किसके ओर ट्रांसफर होने वाला है? इलेक्ट्रिकल पावर में ट्रांसफर होने वाला है। जो मीडियम होगा दोनों के बीच में दैट विल बी व्हाट? मैग्नेटिक मीडियम। दैट विल बी व्हाट? मैग्नेटिक मीडियम। तो उसको मैं नाम दे देता हूँ, दिस इज व्हाट? दिस इज द मैग्नेटिक मीडियम। ठीक है, अब मैग्नेटिक मीडियम क्या करेगा? इसको इसको मैकेनिकल से किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। सो दिस विल व्हाट? दिस विल बी द इलेक्ट्रिकल पावर। दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी द इलेक्ट्रिकल पावर कि जिसमें वो उसको कन्वर्ट करने वाला है। सो इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट होगा, और कन्वर्ट होने के बाद जहाँ पे मिलेगा अपन को डैट विल बी व्हाट? दिस विल बी एक्चुअली अनदर प्राइम मोवर मैकेनिकल लोड कह सकता हूँ। क्या? मैकेनिकल लोड आप उसको चाहे तो कह सकते हो, या प्राइम मोवर ही कह सकते हो, बिकॉज इट कैन ऑल्सो एक्ट एज वॉट? प्राइम मोवर फॉर अनदर मशीन, बिकॉज दिस इज द रोटेटिंग वन विच कैन रोटेट द अनदर रोटर, और विच कैन रोटेट द अनदर मशीन और पंप वगैरह वाट योर रेट में भी। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। तो ये रहा आपके पास में जनरेटर के लिए, मैं चाहे तो उसका ये, ठीक है, जनरेटर के लिए। कौन सा जनरेटर होगा? है सिंक्रोनस जनरेटर होगा। ठीक है, अगला हेडिंग डालिएगा सिंक्रोनस मोटर का मतलब। सिंक्रोनस मोटर किसको कहेंगे आप लोग? तो सिंक्रोनस मोटर का मतलब क्या होगा? सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर इज नथिंग बट व्हाट? इट इज ऑल्सो ए डबली एक्साइटेड सिंक्रोनस मशीन रनिंग एट ए सिंक्रोनस स्पीड बट विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल पावर टू वॉट? मैकेनिकल पावर। सेम डायग्राम आएगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। इसमें जो पावर का जो फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल आ जाएगा, प्राइम मोवर की जगह पे मतलब बस ये क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस टाइप से होगा। तो मैं उसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, इट्स अ डबली एक्साइटेड सिंक्रोनस मशीन। इट्स ए डबली एक्साइटेड सिंक्रोनस मशीन। अब डबली एक्साइटेड में आपको पता चल गया कि कौन सा है, एसी और डीसी दोनों एक्साइटेड, दोनों एक्साइटेशन होने वाले। इट्स अ डबली एक्साइटेड सिंक्रोनस मशीन रनिंग एट सिंक्रोनस स्पीड, रनिंग एट सिंक्रोनस स्पीड विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल पावर टू मैकेनिकल पावर। विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल पावर टू मैकेनिकल पावर। ठीक है, विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल पावर टू मैकेनिकल पावर, विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल पावर टू मैकेनिकल पावर। अगर सपोज उसके लिए डायग्राम बनाओ तो किस टाइप से आने वाला है उसका डायग्राम? इसका डायग्राम सेम इसी टाइप से आने वाला होगा। इनपुट क्या रहेगा मोटर के लिए? इलेक्ट्रिकल इनपुट रहेगा भाई। सो दिस इज गोइंग टू बी द इनपुट and this is going to be what? This is going to be output.
सॉरी, ये मैकेनिकल लोड मैं बोल देना, इलेक्ट्रिकल लोड ये मोटर के लिए होगा भाई, इलेक्ट्रिकल लोड मतलब इलेक्ट्रिकल पावर आएगी आपके पास यहाँ पे, तो किसी के लिए भी रहेगा ठीक है। तो मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज जिसको तुम यूज़ करने वाले कि जिसका इनपुट इलेक्ट्रिकल होगा उसके लिए होगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस ठीक है, इसके लिए रहेगा ये, क्योंकि मोटर के केस में आउटपुट जो होगा मैकेनिकल आएगा, तो क्या करेगा वो मैकेनिकल लोड जो होगा उसको घुमाएगा ठीक है इस टाइप से। तो यहाँ पे जो इनपुट होगा मैके हम मोटर के लिए क्या होगा आपके पास, डैट विल बी इलेक्ट्रिकल इनपुट, क्या होगा आपके पास इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल सप्लाई होगा। तो वो क्या करेगा इलेक्ट्रिकल पावर को किस में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल पावर में। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इलेक्ट्रिकल पावर विच विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, मैकेनिकल पावर थ्रू द मैग्नेटिक मीडियम ठीक है, मैकेनिकल पावर इस टाइप से रहने वाला है। एंड दिस इज वॉट, दिस इज द मैग्नेटिक मीडियम, मैग्नेटिक मीडियम ठीक है भाई। तो दिस इज लाइक दिस, तो मैकेनिकल पावर जो होगी वो किसको जाएगी भाई, आपके पास जो मैकेनिकल लोड होगा उसके लिए पावर पावर जाएगी एज इनपुट ठीक है। सो जो मैकेनिकल लोड कनेक्ट होगा आपके पास उसको ये पावर जाने वाली है। ठीक है इस टाइप से। तो ये रहा दोनों के बारे में जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, सिंक्रोनस मोटर किसको बोलते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर किसको बोलते हैं ठीक है। अब अपन बात करेंगे उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, कि उसको अपन क्लासिफिकेशन किस टाइप से करने वाले होते हैं और किस टाइप से अपन उसको कर सकते हैं। इसमें थोड़ी अगर बेसिक बेसिक बातें अगर मैं बताऊँ, तो देखिए सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस जनरेटर में क्या होता है, आपके पास दो जो अलग अलग एक्साइटेशन मैंने जो बोला है, बस डबल एक्साइटेशन मैंने बोला कि उसमें जो डबल एक्साइटेशन में जो आपके पास डीसी एक्साइटेशन होगा और जो एसी एक्साइटेशन होगा, डीसी नॉट ए सी, डी सी एक्साइटेशन मतलब किसको देंगे और ए सी एक्साइटेशन मतलब किसको देंगे, डी सी एक्साइटेशन एंड ए सी एक्साइटेशन। अब देखिए जब अपन जब ये मोटर की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, स्टेटर होता है एक और क्या होता है दूसरा रोटर होता है। तो यहाँ पे स्टेटर में अपन क्या होगा आपके पास आर्मेचर होगी, और रोटर पे क्या होगी आपके पास फील्ड होगी, रोटर के पास क्या होगी फील्ड होगी। तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर अगर सपन उसको अगर उल्टा कर दे क्या, कि जो आर्मेचर है उसको अपन क्या कर दे, आर्मेचर अपन स्टेटर रोटर के ऊपर रख दे और जो स्टेटर है उसको अपन अपन फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट कर दे तो क्या होगा, तो इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। लेकिन जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर मैं बात करूँ तो अपन क्या करते हैं, उसके पीछे रीजन है और उसके पीछे उसके फायदे भी कुछ है, क्योंकि इफिशियंसी ज़्यादा होगी, आउटपुट का ज्यादा होगा, लॉसेस थोड़े कम होंगे, और मैं कह सकता हूँ कि वेयर एंड टेयर थोड़ा कम होगा, बहुत सारे उसके पीछे रीजन है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। इसके आगे अपन उसके बारे में बात करने वाले, तो उसमें पूछेंगे अपन को डेफिनेटली लोग कि जो एसी एक्साइटेशन होता है उसको आर्मेचर को ना देते हैं, अगर अपन उसको इसके दे दिया रोटर को दे दिया, और जो फील्ड वाइंडिंग जिसको अपन रोटर पे जनरली अपन क्या करते हैं रोटर पे ही फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट करते हैं, उसको अगर अपन उसको स्टेटर को कनेक्ट कर दी तो क्या होगा, ये सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे इसके बाद ठीक है। तो अपना जो अगला हेडिंग होगा अपना वही होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ जनरेटर बेस्ड ऑन स्पीड ठीक है। तो देखिए भाई क्लासिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटर्स बेस्ड ऑन स्पीड, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटर्स बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन स्पीड ठीक है। तो सबसे पहले होगा लो स्पीड, उसके बाद होगा मीडियम स्पीड, उसके बाद होगा हाई स्पीड। तो लो स्पीड अल्टरनेटर, अब लो स्पीड में जो स्पीड का रेंज होगा आपके पास डैट विल बी व्हाट, डैट विल बी 60 to 500 RPM, कितना 60 to 500 RPM ठीक है। और इसमें जो अल्टरनेटर्स जाएंगे उनकी जो कैटेगरी होगी डैट विल बी व्हाट, दिस विल बी वाटर टरबाइन, क्या होगी वाटर टरबाइन, उसके बाद होगा आईसी इंजन, आईसी इंजन मुझे इंजन का स्पेलिंग देखने दीजिएगा, इंजन का स्पेलिंग सही है भाई मैंने जो लिखा है, आईसी इंजन उसके ठीक है। उसके बाद आईसी इंजन तुम बोल सकते हैं या स्टीम इंजन,
ठीक है, ये रहा लो स्पीड के लिए। ठीक है, जो मीडियम स्पीड होगा उसमें जो कैटेगरी होगी डैट विल बी फ्रॉम 600 आरपीएम टू 1000 आरपीएम के आसपास। ठीक है, तो दिस विल बी मीडियम स्पीड। क्या होगा मीडियम स्पीड अल्टरनेटर्स, उसमें जो उसका स्पीड होगा डैट विल बी 600 आरपीएम टू 1000 आरपीएम। अब आप बोलोगे कि सर 500 से 600 के बीच में जो आएंगे किस लो स्पीड में उसको बोल दीजिएगा। क्या बोल दीजिएगा, लो स्पीड में बोल दीजिएगा, क्योंकि उसकी ऑन दी एज उसको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो आएगा आपके पास, देखिए अभी वाटर टर्बाइन जो होगा और इसमें भी इस कैटेगरी में जो आएगा ना वो वाटर टर्बाइन ही होगा। मतलब देखिए मैं कैसे मैं बताता हूँ, वाटर हेड हाई हेड हाई वाटर हेड टर्बाइंस वाटर हाई वाटर हेड हाई वाटर हेड टर्बाइंस। उसके बाद आएगा इसमें भी आईसी इंजन ही आएगा। क्या आएगा, आईसी इंजन्स एंड इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड व्हाट इलेक्ट्रिकल मशीन्स तुम कह सकते हो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ठीक है, अब ये वाटर हेड देखिए अगर आपके पास तो बहुत ऊपर से अगर आपके पास जो टर्बाइन है उसके अगर ब्लेड्स के ऊपर अगर बारे मतलब सपोज ब्लेड्स को घुमाना है अपन को, जितना आप थोड़ा मतलब कम हाइट से अगर वहाँ से कम हाइट से अगर उसके ऊपर पानी बरस मतलब फ्लो हो रहा है तो उतना उसका मतलब मैं कह सकता हूँ उतनी ज़्यादा एनर्जी और इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा एकदम तगड़ा फ्लो नहीं होगा कि जितना ज़्यादा ऊपर से फेंकोगे। ऊपर से जितना ज़्यादा ऊपर से पानी उसके ऊपर टर्बाइन के ऊपर पड़ेगा ना तो उतना ज़्यादा उसका फोर्स रहेगा, उतना ज़्यादा उसकी एनर्जी रहेगी, तो थोड़ा ज़्यादा उसको स्पीड से घुमा पाएगा। बात समझ में आ रही है आपकी? ठीक है, तो जो जितना ज़्यादा ऊपर से का उतना ज़्यादा उसका स्पीड कम होगा, जितना ज़्यादा कम होगा उसका ज़्यादा स्पीड उतना उसका कम स्पीड होने वाला है। बात समझ में आ गई? जितना कम स्पीड होगा उसको अपन किसकी कैटेगरी में डाल रहे हैं, लो स्पीड में। जितना ज़्यादा होगा उसको अपन बोल रहे हैं वाटर हेड में। ठीक है, मीडियम स्पीड के बीच में है। ठीक है, लेकिन और मीडियम स्पीड में इसके लिए क्योंकि उसके आगे भी ऐसे कुछ मशीन्स है कि उनके स्पीड इससे भी बहुत ज्यादा है, इसके लिए अपन उनको बोलेंगे हाई स्पीड मशीन्स। उसको क्या बोलेंगे अपन, हाई स्पीड मशीन्स। जो थर्ड कैटेगरी होगी डैट विल बी व्हाट हाई स्पीड मशीन। और थर्ड कैटेगरी के लिए देखिए क्या होने वाला है, हाई स्पीड मशीन में हाई स्पीड और इसके जो रेंज होगी डैट विल बी 1500 टू 3000 आरपीएम। 1500 टू 3000 आरपीएम। सिंक्रोनस मशीन के केस में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम स्पीड जो पॉसिबल है वो 3000 आरपीएम ही पॉसिबल है, क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स जो होंगे आपके पास मैक्सिमम मिनिमम तो कितने जितने नंबर ऑफ पोल्स कम रखोगे उतना ज़्यादा स्पीड रहेगा। और मिनिमम कितने रख सकते हैं, दो ही पोल है कि जो मिनिमम रख सकती है। पोल नेवर एग्जिस्ट इन ऑड नंबर्स, पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन व्हाट पेयर्स। अगर पोल्स आपके पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं तो उसको अपन मिनिमम तो दो ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा थोड़े चार, उसके बाद छः आठ ऐसे टाइप्स रख सकते हो। बहुत ज़्यादा तो मतलब पोल कर दिए तो मतलब उतना स्पीड कम हो जाएगा। और ये जो मशीन आपको लो स्पीड मशीन नजर आ रही है, मीडियम स्पीड मशीन नजर आ रही है, तो ऑब्वियसली इनके नंबर ऑफ पोल्स कम होंगे। जब मैं उसके स्पीड कहाँ से निकालते ये वाला फॉर्मूला जब बता दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि पोल और स्पीड दोनों के बीच में कैसे रिलेशन है। बात समझ में आ गई? तो इसमें जो मशीन आएंगे आपके पास डैट विल बी व्हाट, एक आएगा आईसी इंजिन्स और दूसरा आएगा आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर्स और व्हाट इलेक्ट्रिक मशीन्स, तुम कह सकते हो इलेक्ट्रिक मोटर्स इलेक्ट्रिक मशीन्स। ठीक है, इसी टाइप के आपके पास स्पीड आने वाले होते हैं और इसी टाइप से अपन क्या करने वाले अल्टरनेटर्स को क्लासिफाई करते हुए। ठीक है, अब देखिए बेस्ड ये हुआ उसके स्पीड के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन। अगला जो क्लासिफिकेशन अपन पढ़ेंगे डैट विल बी व्हाट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द रेटिंग ऑफ द अल्टरनेटर। और जनरेशन के लिए अपन जो अल्टरनेटर यूज़ करते हैं उनका जो रेटिंग होने वाला है उसके अकॉर्डिंग अपन उसको क्या करने वाले, क्लासिफिकेशन करने वाले। तो उसके लिए आप हेडिंग डालिएगा बेस्ड ऑन कैपेसिटी एंड जनरेटेड वोल्टेज। क्या बोल रहा हूँ मैं, बेस्ड ऑन कैपेसिटी एंड जनरेटेड वोल्टेज, ये वाला आपका अगला हेडिंग होगा। तो मैं यहाँ पे उसको लिख रहा हूँ भाई कि अल्टरनेटर का क्लासिफिकेशन देखिए किस टाइप से होगा, बेस्ड ऑन कैपेसिटी, बेस्ड ऑन कैपेसिटी एंड जनरेटेड वोल्टेज एंड व्हाट जनरेटेड वोल्टेज तो देखेंगे कि इसमें क्या क्या होने वाला है क्लासिफिकेशन में। तो जो क्लासिफिकेशन होगा बेटा ये इस टाइप से रहने वाला है, एक जो होगा लो वोल्टेज। ठीक है, पहला जो कैटेगरी होगा वो आपके पास लो वोल्टेज। लो वोल्टेज क्यों, क्योंकि वो लो वोल्टेज प्रोड्यूस करने के एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाते हैं। ठीक है, अब लो वोल्टेज अल्टरनेटर्स तुम चाहे तो उसको कह सकते हो क्या, लो वोल्टेज अल्टरनेटर। क्या बोल रहा हूँ मैं, लो वोल्टेज अल्टरनेटर्स आप उसको कह सकते हो।
तो लो वोल्टेज अल्टरनेटर में देखिए क्या क्या आने वाले हैं। उसका जो रेटिंग होगा, एक होगा 250 वोल्ट, मतलब इतने वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए 400 वोल्ट, उसके बाद 1100 वोल्ट या 3300 वोल्ट। ठीक है, दिस अल्टरनेटर विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द लो वोल्टेज अल्टरनेटर्स। ठीक है, या तो मैं उसको कह सकते हो कि लो वोल्टेज कैपेसिटी के जो अल्टरनेटर होंगे उसके कैटेगरी में। तो सेकंड कैटेगरी आएगा आपके पास, डैट विल व्हाट, मीडियम वोल्टेज अल्टरनेटर्स। क्या मीडियम वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए जो अल्टरनेटर यूज किए जाएंगे, मीडियम वोल्टेज अल्टरनेटर्स। ठीक है, अब मीडियम वोल्टेज अल्टरनेटर में जो अल्टरनेटर्स आएंगे आपके पास, ये रहेंगे 6.6 KV, 11 KV, और इससे जो ज़्यादा रहेंगे उसके लिए मतलब यही एक्चुअली देखा जाए तो। ठीक है, ये दोनों ही हैं। उसके बाद अगर सपोज मैं बात करूँ तो मीडियम के बाद जो रहेगा आपके पास अगला जो होगा, डेट विल बट हाई वोल्टेज अल्टरनेटर्स। क्या होगा? हाई वोल्टेज अल्टरनेटर। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि मैक्सिमम जो जनरेटेड वोल्टेज हो सकता है वो इतना ही क्यों जा सकता है, मतलब कितना मैक्स अल्टरनेटर। मैं पहले इसको लिख देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से अल्टरनेटर आने वाले भाई? एक होगा आपके पास 6.6 KV, मतलब उनको इसने इसके लिए भी यूज़ किया जाता है और इसके लिए भी यूज़ किया जाता है, 33 KV के बीच में आ जाएगा। ये 33 KV तक ही अपन क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को जनरेट कर सकते हैं। उसके आगे अगर अपन को ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो जनरेटेड जो वोल्टेज है उसको अपन क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के जरिए अपन उसको स्टेप अप करके ट्रांसमिट कर देते हैं, जहाँ पे जितने पावर के एप्लीकेशन जितनी ज़रूरत है उतनी। क्योंकि ट्रांसमिशन के केस में देखा जाए तो जितना ज़्यादा हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, लॉसेस कम होंगे, और उतना ज़्यादा क्या होगा आपके पास, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन विल इंक्रीज। ये अपन जब पावर सिस्टम में भी जब अपन उसका पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी जो होती है ट्रांसमिशन लाइन की, उसको अगर डिफाइन करना होता है तो उसको अपन देखे होते कि जो टर्मिनल मतलब जो वोल्टेज है, वोल्टेज जितना ज्यादा होगा उतना पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ज्यादा होती है। ये अपन उसमें पढ़ते हैं पावर सिस्टम स्टेबिलिटी में या पावर सिस्टम में। ठीक है, लेकिन मैं बात करूंगा इसके लिए, सवाल ये होगा कि उसको 11 KV और 33 KV तक ही क्यों जाते हैं अपन मैक्सिमम वोल्टेज के लिए। इसके लिए जाते हैं क्योंकि बेटा अगर अपन उसको सपोज 11 KV और 33 KV से अगर उसके ऊपर अगर आप चले गए तो प्रॉब्लम एक है कि देखिए जो वोल्टेज और जो इंसुलेशन दोनों के बीच में जो रिलेशन होती है, इंसुलेशन जो होती है आपके पास, इंसुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉट, वोल्टेज। मतलब क्या, सॉरी मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि जो इंसुलेशन होता है ना, इंसुलेशन डिपेंड्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, डिपेंड्स इंसुलेशन वोल्टेज या इंसुलेशन लेवल डिपेंड्स ऑन वोल्टेज, डिपेंड्स ऑन वोल्टेज। ठीक है, अगर आपने 33 KV से अगर ज़्यादा वोल्टेज अगर अप्लाई कर दिया तो जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेसेस, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिकल प्रेशर जो वहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा, उस प्रोड्यूस मतलब उतने प्रेशर को झेलने के लिए आपके पास उतना हाई लेवल का इंसुलेशन अवेलेबल नहीं है। अगर उस आपने अगर उससे भी ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दी, उससे भी ज़्यादा वोल्टेज अगर आपने प्रोड्यूस करने की कोशिश की, तो जो इंसुलेशन होगा अल्टरनेटर को, मतलब जो वाइंडिंग्स होंगी जो आपके पास जिसके जरिए अपन उसको पावर को कैच कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो वो वाली इंसुलेशन जो कि जनरेटर की, वो वाली भाई उसको इतने मतलब सस्टेन नहीं कर पाएगी, विस्टैंड नहीं कर पाएगी इतना ज़्यादा फोर्स। तो उसकी वजह से क्या होगा, फॉल्ट होने के, और मैं कह सकता हूँ कि डैमेज होने के चांसेस होते हैं। इसके लिए अपन वोल्टेज को क्या करते हैं, और ऑब्वियस है यार कि मतलब जहाँ पे आपका जनरेशन हो रहा है, इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना कि उसके अगल बगल में कोई नहीं रहेगा, मतलब उसको ऑपरेट करने वाले तो मतलब लोग रहेंगे ना उसमें कुछ, तो भाई समझ रहे ना बात मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उसको ऑपरेट करने वाले अगर लोग हैं और इतनी हाई वोल्टेज लेवल पर अगर उनको काम करना, मतलब ऑब्वियस है कि मतलब चांसेस है कि मतलब वो जो पर्सन जो वर्किंग स्टाफ होगा उनके भी मतलब धोखा हो सकता है, अगर वो वहाँ पे काम करो कुछ फॉल्ट हो गया, कुछ भी कारण हो गया, तो उसकी वजह से तो थोड़ी वोल्टेज की लेवल अगर कम रखी जाए तो उसके इसमें अपन थोड़ा कम रहेंगे। तो अपन क्या करते हैं, उसको जितना कम वोल्टेज मतलब मिनिमम तो 11 KV 33 KV तक जाते हैं अपन। ठीक है, 11 KV मतलब इंडिया में मोस्ट ऑफ द इसमें अगर देखा जाए तो 11 KV, और कहाँ कहाँ कई कई जगह पर 33 KV पर भी उसको अपन वोल्टेज को प्रोड्यूस कर जनरेट करते। उसके बाद उसका आगे जो ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो उसके बाद आप उसको ट्रांसफार्मर के जरिए उसको स्टेप अप करवा लीजिएगा, जितनी हाई वोल्टेज की आपको जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उतने रेटिंग का ट्रांसफार्मर ले लीजिएगा। 33 KV तक अगर आप उसको जनरेट करें तो 33/132 KV तक लेके जाएगा, फिर बाद में 132 से 765 जो भी कुछ आपकी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको लेके जाएगा। लेकिन कुछ लिमिटेशन है ड्यू टू दॉट इंसुलेशन, बिकॉज इंसुलेशन लेवल इतनी हाई नहीं होगी कि जनरेटर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल स्ट्रेसेस इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, इंसुलेशन जल जाएगा, इंसुलेशन जल जाने के बाद चांसेस है कुछ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट भी हो सकता है, बहुत अलग अलग चीज़ें उसमें हो सकती है। ठीक है, तो ये रहा भाई बेस्ड ऑन कैपेसिटी एंड जनरेटेड वोल्टेज, इनके रिगार्डिंग जो अपन का क्लासिफिकेशन था अल्टरनेटर्स का वो रहा। अब मैं थोड़ा बात करूंगा किसके बारे में, अब मैं बात करूंगा कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि डीसी एंड एसी एक्साइटेशन, तो मैंने बोला था कि जो जो डीसी एक्साइटेशन अगर सपोज वो अगर मैं स्टेटर पे दे दूंगा तो क्या होगा, और एसी एक्साइटेशन जो है अगर सपोज मैं रोटर पे दे दूंगा तो क्या हो जाएगा।
या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि एक अपन ऐसा उसका डिफरेंस ही डायरेक्टली क्लियर कर लेते हैं, मतलब डिफरेंस दोनों के बीच में क्रिएट कर देते हैं कि एक मैं ऐसा मशीन कंसिडर कर रहा हूँ कि जिसमें मैं जो आपका फील्ड एक्साइटेशन उसको मैं स्टेटर पे देने वाला हूँ, जो दूसरा मशीन है उसमें जो फील्ड एक्साइटेशन उसको मैं रोटर में देने वाला। अगर स्टेटर पर दिया हुआ फील्ड एक्साइटेशन, रोटर पर दिया हुआ फील्ड एक्साइटेशन, दोनों में कौन सा ज़्यादा इफिशियंट रहने वाला है, किससे ज़्यादा अपन को फायदा होने वाला है, अब अपन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई अपन दो अलग अलग कंस्ट्रक्शन देखे हैं, एक कंस्ट्रक्शन की जिसमें ये जो मेरे पास जो नज़र आ रहे हैं जो पोल्स, एक उनसे फील्ड पोल्स है, कौन से फील्ड वाइंडिंग है। ठीक है, तो फील्ड वाइंडिंग मैंने रोटर पे कनेक्ट करी है और ये जो है मेरे पास स्टेटर है, तो आर्मेचर ये मेरे पास होगा एक्चुअली देखा जाए तो। ठीक है, हाँ तो इसके बीच में अगर ड्रॉ किया तो थोड़ा ये इस बाहर सही थोड़ा ठीक आ गया, कोई दिक्कत। तो ये जो होगा मेरे पास, मैं उसमें बोल देता हूँ पहले कि रोटेटिंग फील्ड एंड स्टेशनरी आर्मेचर, एंड वॉट स्टेशनरी आर्मेचर, और यहाँ पे होगा रोटेटिंग फील्ड, यानी एक्चुअली ये जो होगा आपके पास दिस विल बी रोटेटिंग आर्मेचर एंड स्टेशनरी फील्ड। ठीक है, स्टेशनरी फील्ड एंड रोटेटिंग आर्मेचर, ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है रोटर पर दी है। ठीक है, मैं बताऊँगा सब कुछ। एंड रोटेटिंग आर्मेचर एंड वॉट एंड रोटेटिंग आर्मेचर। ठीक है, अब देखिए देखिए आपके पास ये जो स्टेटर नजर आ रहा है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे कंडक्टर प्लेस करूंगा, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है 180 डिग्री, एक यहाँ से यहाँ पे और एक यहाँ पे, सिमिलरली एक यहाँ पे 120 डिग्री, सारे 120 डिग्री अपार्ट होते हैं। ठीक है, इस स्टेप से तो ये क्या है आपके पास, दिस इज अ स्टेटर। स्टेटर कैसा पार्ट होता है बेटा, स्टेशनरी पार्ट होता है, और रोटर कैसा होता है, रोटेटिंग पार्ट होता है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज रोटर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो देखिए आपके पास रोटर कैसा रोटेटिंग पार्ट होता है, और स्टेटर कैसा होता है स्टेशनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपके पास है स्टेटर, और ये जो आपके पास है दिस इज रोटर। और रोटर के ऊपर जो कंडक्टर प्लेस किए, कौन से कंडक्टर है, दीज आर दी आर्मेचर कंडक्टर, दीज आर व्हाट आर्मेचर कंडक्टर, इट मींस व्हाट, आर्मेचर वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन द रोटर, आर्मेचर वाइंडिंग इज व्हाट प्लेस्ड ऑन द रोटर, इन दिस पर्टिकुलर केस आर्मेचर वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन व्हाट, स्टेटर, एंड फील्ड वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन व्हाट, रोटर, हेयर फील्ड वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन व्हाट, स्टेटर। ठीक है, तो मैं थोड़ा लिख भी देता हूँ, चाहे तो आपको मतलब आप अच्छे से उसको याद भी कर पाए, तो आप लिखिएगा कि आर्मेचर किसके ऊपर प्लेस किया है और स्टेटर किसके और फील्ड वाइंडिंग किसके ऊपर है। ठीक है, आर्मेचर इज ऑन व्हाट, देखिए आर्मेचर किसके ऊपर नजर आ रही है, जो कंडक्टर किसके ऊपर है, रोटर के ऊपर। सो आर्मेचर इज प्लेस्ड ऑन व्हाट, रोटर पे है, और रोटर कैसा पार्ट होता है बेटा, रोटेटिंग पार्ट होता है, और फील्ड किसके ऊपर है, स्टेटर के ऊपर, तो स्टेटर कैसा पार्ट होता है, स्टेशनरी। इसका मतलब क्या, स्टेशनरी फील्ड होगी और रोटेटिंग आर्मेचर होगी, स्टेशनरी फील्ड एंड व्हाट रोटेटिंग आर्मेचर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो देखिए मेरे पास आर्मेचर किसके ऊपर है, स्टेटर के ऊपर है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, आर्मेचर है, आर्मेचर किसके ऊपर है बेटा, आर्मेचर इज ऑन स्टेटर, आर्मेचर इज व्हाट, आर्मेचर इज ऑन स्टेटर, और आपके पास जो फील्ड है, फील्ड किसके ऊपर आपने कनेक्ट करी है, फील्ड इज सप्लाइड टू व्हाट, रोटर, तो फील्ड किसके ऊपर है, रोटर के ऊपर, रोटर कैसा पार्ट होता है, रोटेटिंग होता है, सो रोटेटिंग फील्ड एंड व्हाट स्टेशनरी आर्मेचर, तो रोटेटिंग फील्ड एंड व्हाट स्टेशनरी आर्मेचर, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अगर अपन इसको पॉइंट वाइज लिखे तो दिस विल बी व्हाट फर्स्ट पॉइंट कंस्ट्रक्शन वाइज। ठीक है, दिस विल ऑल्सो बॉट फर्स्ट पॉइंट कंस्ट्रक्शन वाइज। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन का डिटेल्स मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो है वो अपन ने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, उसको सेकंड पॉइंट बोल देता हूँ। थर्ड पॉइंट क्या होगा आपके पास, थर्ड पॉइंट ये होगा कि आपके पास जो पोल्स है, पोल्स कैसे होंगे भाई, पोल्स विल बी फिक्स्ड विद द रोटर एंड दे विल बी रोटेटिंग एट अ सिंक्रोनस स्पीड। सिमिलरली हियर व्हाट, पोल्स विल बी व्हाट, पोल्स विल बी फिक्स्ड विद स्टेटर एंड दे विल बी व्हाट, स्टेशनरी, दे विल बी व्हाट, स्टेशनरी, समझ में आ गया। अब अगर आपके पास, अगर सपोज यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग किसके ऊपर कनेक्टेड है, रोटर के ऊपर है, तो रोटर के ऊपर अगर फील्ड वाइंडिंग है, डीसी सप्लाई होगा आपके पास, फील्ड वाइंडिंग जो होगी, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग अगर डीसी होगी, मतलब फील्ड वाइंडिंग को जो सप्लाई अगर डीसी होगा, तो उसमें देखिए कम्यूटेटर सेगमेंट वाला कंसेप्ट आ जाएगा, उसमें ब्रश, मतलब कम्यूटेशन वाला कंसेप्ट आ जाएगा, उसमें ब्रश, ब्रशेस वाला कंसेप्ट आ जाएगा, तो उसमें ब्रश का फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से थोड़े कुछ लॉसेस हो सकते हैं,
उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिए ये जो वाइंडिंग होगी वो डायरेक्टली अपन रोटर से, रोटर के ऊपर उसको अपन ने क्या किया है, कनेक्ट किया, उसको क्या किया अपने रोटर के ऊपर कनेक्ट किया, बात समझ में आ रही? तो रोटर के ऊपर अगर उसको को कनेक्ट किया तो अपना रोटर के साथ, रोटर तो रोटेटिंग है और वहाँ से फील्ड वाइंडिंग कैसे कनेक्ट की जाती है, तो उसके लिए अपन को नहीं नहीं रोटर के ऊपर मतलब जो रोटर है ना, रोटर के ऊपर अपन ने फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट करी होगी एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है। यहाँ पे दिखाना थोड़ा ये होगा, मैं उसको अगर थोड़ा सा टू पोल के लिए दिखाऊँ, यहाँ पे दिखा सकते हैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा हॉच पॉच हो जाएगा, टू पोल के लिए मैं दिखा देता हूँ तो आप समझ जाओगे आराम से, फोर पोल के लिए भी ठीक है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं बेटा इसमें, बहुत आसान है। और ये होगा आपके पास, ये फील्ड वाइंडिंग आपने ऐसे कनेक्ट की होगी, लेकिन रोटर तो रोटेटिंग होता है ना, तो वहां पे अपन को क्या लगता है बेटा, स्लिप रिंग्स लगती है, कि स्लिप रिंग्स के जरिए अपन क्या करते हैं वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं। अब आप देखें तो यहाँ पे दो ही स्लिप रिंग्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दो पोल का मशीन है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए चार पोल लग रहे हैं, तो चार पोल की मशीन में अगर देखा जाए फील्ड वाइंडिंग की, इसमें मतलब फील्ड वाइंडिंग जब आप करोगे तो फील्ड वाइंडिंग सिर्फ दो टर्मिनल रहेंगे, इसमें देखा जाए तो बेटा ज्यादा टर्मिनल लगेंगे अपन को, फोर टर्मिनल लगेंगे अगर आप उसको स्टेटर के ऊपर कनेक्ट करने वाले हैं तो, ठीक है। तो वहाँ पे कितने लगेंगे, यहाँ पे फोर टर्मिनल लगेंगे और फोर स्लिप रिंग्स लगेंगे, और यहाँ पे कितने लगेंगे, यहाँ पे जो स्लिप, क्योंकि देखिए ना फोर स्लिप रिंग किस बात के लिए, क्योंकि अगर सपोज मैंने आर्मेचर को किसके ऊपर कनेक्ट किया, अगर आर्मेचर को मैंने स्टेटर के ऊपर सॉरी रोटर के ऊपर कनेक्ट कर रहा है, रोटर कैसा होगा आपके पास, घूमता हुआ रहेगा, मतलब रोटेटिंग होगा रोटर, अगर रोटर रोटेटिंग है और वहाँ पे तीन सप्लाई आपके पास आने वाले, थ्री सप्लाई, क्योंकि अपन सप्लाई तो आर्मेचर को देते हैं, इन केस ऑफ अगर सपोज मैं इसके बात करूँ मोटर के बारे में बात करूँ तो, और सपोज अगर मैं जनरेटर के बारे में बात करूँ तो सप्लाई अपन वहाँ से लेते हैं, अगर अपन यहाँ से सप्लाई लेने की बात कर रहे हैं, सप्लाई लेने मतलब कि जनरेटर तो होगा इलेक्ट्रिकली होगा, तो अगर अपन यहाँ से सप्लाई लेंगे तो आपके पास तीन अलग अलग टर्मिनल होंगे, आर वाई बी, मतलब थ्री फेज होंगे और एक न्यूट्रल होगी, अगर सपोज न्यूट्रल लेने की बात करें, अगर यहाँ से रोटेटिंग पार्ट्स अगर अपन उसको ले रहे तो उसके लिए अपन को स्लिप रिंग्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इंडक्शन मोटर में देखा नहीं था आपने, बिल्कुल सही, इसमें तो इसमें क्या पड़ेगा अपन को, दो सॉरी यहाँ पे तीन फेजेस के लिए तीन स्लिप रिंग्स, प्लस अगर मैं सपोज न्यूट्रल की बात करूँ तो न्यूट्रल के लिए एक एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे चार स्लिप रिंग्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ आपके पास है डीसी सप्लाई होते हैं, तो डीसी सप्लाई में सिर्फ दो टर्मिनल होते हैं, तो अपन को यहाँ पे दो स्लिप रिंग की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे कितने चार स्लिप रिंग्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अपन एक्स्ट्रा अगर बात करें तो मतलब ऑब्वियसली कि अपन सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर न्यूट्रल भी अगर यहाँ पे लेने की बात करी तो यहाँ पे चार स्लिप रिंग्स और यहाँ पे कितने दो स्लिप रिंग्स की बात की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन कैसा होगा, थोड़ा कम होगा क्योंकि दो ही टर्मिनल है, यहाँ पे फ्रिक्शन होने के थोड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखिए इसमें क्या है ना कि जो रोटर के ऊपर जो भी कुछ टोटल स्ट्रेस आएगा थोड़ा कम होगा एज कम्पेयर टू इसमें, इसके ऊपर इतने ज़्यादा रोटर कंडक्टर आ जाएंगे तो थोड़ा स्ट्रेस इसके ऊपर ज़्यादा आएगा, इसके ऊपर कम आएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है थोड़ा कैसा है, मतलब कि छोटा सा है, मतलब कि उसकी वेट भी थोड़ा कम होगा रोटर के ऊपर, इसके ऊपर थोड़ा वेट ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। एक बात हो सकती है, अगर सपोज मैं एफिशिएंसी की बात करूँ तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि इसमें लॉसेस थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं लॉसेस उसके, क्योंकि स्लिप रिंग्स है तो स्लिप रिंग्स की वजह से अपन देखे होते हैं, स्लिप रिंग्स का थोड़ा अगर उसमें रेजिस्टेंस वगैरह ऐड कर दिया एक्सटर्नली तो उस केस में भी हो सकता है, और स्लिप रिंग्स के खुद की वजह से वेयर एंड टेयर और मैकेनिकल लॉसेस भी उसमें हो सकते हैं, तो इसमें लॉसेस थोड़े ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसमें दो ही स्लिप रिंग्स है, इसमें थोड़े स्लिप रिंग्स ज़्यादा है तो लॉसेस थोड़े इसमें ज़्यादा हो सकते हैं, इसमें कम होंगे, इसका एफिशिएंसी कम होगा, फिर इसका एफिशिएंसी क्या होगा ज़्यादा होगा, तो ऐसे अलग अलग पार्ट उसमें आने वाले, मैं एक एक करके लिख देता हूं। क्या बोला था मैंने, पोल्स आर फिक्स्ड टू, पोल्स आर फिक्स्ड टू रोटर, और यहां पे क्या होगा, पोल्स आर फिक्स्ड टू स्टेटर एंड व्हाट दे आर स्टेशनरी, यू कैन से सेकंड पॉइंट, और ये होगा आपके पास थर्ड पॉइंट, पोल्स आर फिक्स्ड टू स्टेटर, पोल्स आर फिक्स टू स्टेटर एंड देयर वॉट स्टेशनरी। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ हियर टू स्लिप रिंग्स आर रिक्वायर्ड, वॉट टू स्लिप रिंग्स आर रिक्वायर्ड हियर, टू स्लिप रिंग्स आर रिक्वायर्ड हियर, फोर स्लिप रिंग्स आर रिक्वायर्ड, फोर स्लिप रिंग्स आर रिक्वायर, और इतने ज़्यादा थोड़े मतलब इसके ऊपर ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है होने की वजह से इसका जो वेट होगा वेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है, उसका साइज भी बढ़ जाएगा, साइज और वेट बढ़ने की वजह से कॉस्ट के बारे में भी उसमें ये थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट का मशीन बन जाएगा, दिस विल बी लो कॉस्ट मशीन, दिस विल बी हाई कॉस्ट मशीन। इसमें अगर मैं लॉसेस की बात करूँ तो इसमें लो लॉसेस होंगे, लॉसेस कैसे होंगे, लो लॉसेस इसकी चार स्लिप रिंग्स आ गए तो मतलब फ्रिक्शन वेयरिंग टेयरिंग उसके भी लॉसेस थोड़े ज़्यादा होंगे, सो मोर लॉसेस विल टेक्स प्लेस
इसका इफिशियंसी उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इफिशियंसी क्या हो जाएगा उसका, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसकी इफिशियंसी के बारे में बात करूँ तो इफिशियंसी थोड़ा इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, ये ऐसे अलग अलग लॉसेस और मतलब अलग अलग बातें अपन इस पर्टिकुलर इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अगर अपन बात करें कि सपोज अगर अपन के पास तीन फेजेस है, क्या आपके पास तीन फेजेस है, तो वहाँ से इंसुलेशन कराना थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट लग सकती है उसमें इंसुलेशन के लिए। थोड़ा क्या होगा, हाँ कम कॉस्ट लगेगी क्योंकि उसमें सिर्फ रोटर वाइंडिंग है, मतलब रोटर के ऊपर जो फुल वाइंडिंग है, दो ही वाइंड मतलब दो ही टर्मिनल्स है, और इतनी बड़ी वाइंडिंग नहीं क्योंकि जितनी आर्मेचर के आने वाली है। ठीक है, तो आर्मेचर में इंसुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इंसुलेशन अगर प्रोवाइड करना होगा क्योंकि ये रोटेटिंग है यार, और उसमें चार फेजेस मतलब चार टर्मिनल्स की बात कर रहे हैं, आर वाई बी एन एन, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इसमें अगर कूलिंग की बात करें तो अगर इसके ऊपर सपोज अगर लॉसेज में ज़्यादा होते तो उसमें कूलिंग थोड़ी आसानी से प्रोवाइड की जा सकती है क्योंकि ऐसा एकदम मतलब डेंस नहीं है ना, उसमें थोड़ा ज़्यादा डेंसनेस नज़र आ रहा है। ठीक है, तो उसमें कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो जनरली अगर देखा जाए तो दोनों इसमें अगर मैं बात करूँ तो अपन जिसको यूज़ करते हैं जनरली अगर देखा जाए तो वो अपन ये वाला स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। अपन क्या ना कि रोटर के ऊपर फील्ड वाइंडिंग प्रोवाइड की होती है, स्टेटर के ऊपर आर्मेचर प्रोवाइड किया होता है, रादर देन दिस स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज नॉट जनरली मोस्टली, इट इज नॉट जनरली यूज्ड। ठीक है, जिस स्ट्रक्चर को अपन जनरली अवॉइड करते हैं, उसको ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आप देखेंगे तो देखिए ये स्टेटर है और एक रोटर है, ये क्या ये स्टेटर है और ये रोटर है, तो रे रोटर के ऊपर अपन को एक बात देखने के लिए मिल रही है कि रोटर के बीच में ऐसे यहाँ पे अगर एयर गैप देखा तो एयर गैप थोड़ा अलग नजर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर एयर गैप देखा जाए तो अगर सपोज मैं सारे कंडक्टर का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और सारे कंडक्टर का साइज अगर मैं सेम मान लूँ तो देखिए यहाँ पे थोड़ा एक सेम नजर आएगा। ये थोड़ा मैं बाद में डिस्कस करूंगा क्योंकि जब अपन पढ़ेंगे साइलेंट पोल किसको बोलते हैं, सिलेंड्रिकल किसको बोलते हैं, तो उस टाइम पे जब पढ़ेंगे तो उस टाइम पे अपन इन सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये था भाई पूरा का पूरा बेसिक्स। अब अपन उसके आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन सैलियन पोल सिंक्रोनस मशीन एंड सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन, और थोड़ा आगे उसके रिगार्डिंग भी और कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन बेसिक टर्म्स सिंक्रोनस स्पीड फेज सीक्वेंस और सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।